महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जिस तरीके से अक्टूबर साल 2020 में बिजली की कटौती हुई थी मुंबई में, वो एक साइबर तोड़ की कोशिश थी। नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आपको बता दूं कि जिस तरीके से साल 2020 में अक्टूबर के महीने में मुंबई में बिजली की कटौती की गई थी, इसे लेकर मुंबईकरों को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा कोरोना के मार से अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भी काम करने बंद हो गए थे। यहाँ तक कि स्थानीय ट्रेनें, मेट्रो, बाकी के सेवाएं भी ठप हो गए थे लगभग 2 घंटे से अधिक समय के लिए। अब बात की जाए जिस तरीके से ये सब बिजली की कटौती हुई थी, इस पर छानबीन जारी हुआ था कि आखिर क्यों ऐसा हुआ था, तो आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सब में चीनी हैकरों का हाथ हो सकता है। तो वहीं महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने भी कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बिल्कुल सच है। फिलहाल इस मामले को लेकर साइबर विभाग जो है वो सच्चाई का पता लगा रहा है और जल्द ही सबके सामने ये सच्चाई आ जाएगी कि आखिर इस सब में किसका हाथ है। वेल, तब तक के लिए ऐसे ही देश दुनिया के ताज़ा तरीन और नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।